चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत जैसर से सटे गांव चारएलसी में वर्षों पुराने जोहड़ की भूमि के किनारे मिट्टी डालकर पंचायत द्वारा करवाए जा रहे संपर्क सड़क के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए सड़क के नाम पर जोहड़ की भूमि पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। 12 के अंता में दिव्यांग समागम शिविर संपन्न हुआ। 104 दिव्यांगों को किट बांटे गए। अंता ब्लॉक का शिविर मंडी समिति परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दुष्यंत सिंह, प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा, जिला कलेक्टर एसपी सिंह मौजूद थे। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नागौर के पर्वतसर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को सेना में भर्ती के लिए मार्गदर्शन दिया। मेजर राहुल कुमार व सुविधा जेठाराम ने सेना में भर्ती का डेमो किया। युवाओं को देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बीकानेर के काजूवाला में दैनतौर पंचायत में पाक्षिक बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच राकेश चितलांगिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में खाला कवरिंग, सड़क निर्माण, पानी की पाइपलाइन डालने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। बैठक में भामाशाह नामांकन पर भी चर्चा की गई। बीकानेर की नोखा में मैंसर गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सागुल सिंह और राजू सिंह मोटरसाइकिल पर नोखा से मैंसर आ रहे थे। सामने से आ रहे पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे सागुल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। बीकानेर के कोलायत में दियात्रा और नोखड़ा गांव में अज्ञात चोरों ने लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। चोरों ने घरों से लाखों रुपए के गहने और नकदी साफ कर दिए। कोलायत थानाधिकारी ने बताया कि रामदेवरा मेले के कारण गांव में ही भीड़ का फायदा उठाते हुए वारदातों को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में तोलियासर गांव के बस स्टैंड पर गांजा बेचते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पुलिस उनका पीछा कर रही है और पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो आरोपी से 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। नागौर के मेरता सिटी में बरसात को रुके एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन बरसात का पानी अभी तक बह रहा है। कुंडल बांध का शहर के जोधपुर जाने वाले हाईवे से होकर ये गुजरता है। मुख्य सड़क पर 3 से 4 फुट पानी बह रहा है। बाइक चालक और पैदल यात्रियों का सड़क से निकलना मुश्किल हो गया, तो वहीं अन्य भारी वाहनों के निकलने से भी हादसा होने की संभावना बनी है। सड़क के दोनों किनारे गड्ढे हैं जो पानी के भरे होने से दिखाई नहीं देते। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसी नेता ओम बिश्नोई द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खास बात यह रही कि पिछले लंबे समय से अलग अलग गुटों में बटे हुए कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सेवादल अध्यक्ष सहित कई नेता पहुंचे। कांग्रेसी नेता ओम बिश्नोई के अनुसार आज महिलाओं को साड़ियां, 51 कंबल, सिलाई मशीनें बांटी गईं। इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने भाई पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पिता और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है। 16 जून को ककराला निवासी शेर मोहम्मद ने अपने भाई, उसके बेटों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज कराया था। भरतपुर के कामा में नगर थाने के गांव रानुता निवासी एक युवक ने पिता के गुम होने की रिपोर्ट कामा थाने में दर्ज कराई। व्यक्ति किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, जो कि वापस नहीं लौटा। भरतपुर के बयाना में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई पर जीप जब्त की है। जीप चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 शराब तस्कर मौके से भागने में सफल हो गए। भरतपुर के कुमेर में गांव कुरवारा में डेंगू से मौत होने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने दिया। डीसीएमओ अरुण दुबे की अध्यक्षता में चिकित्सा शिविर लगाकर 85 रोगियों का उपचार किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में विद्युत कर्मियों से मारपीट हुई है। ये छीजत रोकने गए थे, वहीं आधा दर्जन लोगों पर आरोप लगाया। राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में राजस्थान पटवार संघ उपशाखा के पटवारियों ने पटवार संघ के अध्यक्ष विनोद गोदारा के नेतृत्व में राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। फसल कटाई प्रयोग पहले की तरह करवाने और इससे पटवारियों को अलग रखने की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में पटवार संघ के अध्यक्ष चंद्रकला के नेतृत्व में पटवारियों ने सोमवार को एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व में चल रहे कार्यों को यथावत रखने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में 2 लोगों के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ। ओमान में अच्छी नौकरी लगाने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए लिए थे। आरोपियों ने उसे विदेश भी नहीं भेजा और रुपए भी नहीं लौटे। भीलवाड़ा के गुलापुरा में अज्ञात कारणों से फांसी के फंदे पर अधीर झूल गया। मोतीनगर कॉलोनी के निकट की घटना है। मृतक को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। टोंक के मालपुरा में गांव सांवरिया के राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया।
उप सरपंच जगदीप जाट ने छात्राओं को समझा बुझाकर ताले खुलवाए, वहीं शिक्षकों की कमी के कारण कुछ विषयों की पढ़ाई यहां शुरू ही नहीं हो पाई है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार शातिर चोर गिरोह के 6 आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। थाना पुलिस ने चोरी, नकबजनी एवं लूटपाट के मामले में गिरफ्तार चोर गिरोह के 6 सदस्यों को न्यायालय में पेश किया, जहां से इन सभी को 8 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस आरोपियों से ट्राई गए माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। 6 आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर। भरतपुर के नदवई में बुखार से एक व्यक्ति की मौत हो गई, परिजनों ने डेंगू से मौत होने की बात कही है, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं होने के चलते डेंगू से मौत की पुष्टि करने से इनकार किया गया है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में पिछले 7 दिनों में हुई 7 मौतों ने प्रशासनिक अमले की नींद उड़ा रखी है। सचिन पायलट ने इस घटनाक्रम की वस्तुस्थिति जानने के लिए पीसीसी महासचिव शंकर यादव को मानवी गांव भेजा। इस दौरान यादव के साथ देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह ज्वाला, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से कई पदाधिकारियों ने सबसे पहले मृतकों के घर जाकर इस घटना पर संवेदना जताई। यादव का आरोप है कि उनके द्वारा ग्रामीणों से बातचीत से पता चला है कि मृतकों के परिवार ने अपने घर में राशन खत्म होने की वजह से आसपास के कई घरों से अनाज मांगा था। जालौर के सांचौर में क्षेत्र के 5 गांव में रविवार को जिला छाप डॉक्टर की ओर से गलत इंजेक्शन लगाने पर महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और धरना दिया। वहीं पोस्टमार्टम नहीं होने दिया तो तहसीलदार एएसआई ने ग्रामीणों से समझाइश की और धरना हटवाने के साथ मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाया। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में बाइक चोरी करने वाले वीर सिंह से बाइक बरामद की गई। राज सिंह को वीर सिंह निवासी बनवाली ने 10,000 रुपए में बेची थी। वहीं अभी तक बाइक पेटे कोई राशि नहीं चुकाई। वे वीर सिंह पर भी लालगढ़ थाने में 10 से अधिक केस ऐसे चल रहे। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में 22 लाख रुपए के सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण मालपुरा टोडा रायसिंह विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि टोडा में सार्वजनिक पुस्तकालय से लोगों को ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकें उपलब्ध होंगी। भरतपुर के रूपवास में सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष 6 को आएंगे। 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं उज्जैन में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। गोपाल पचीरवाल आयोग के यहाँ अध्यक्ष। सिरोही के आबूरोड उपखंड क्षेत्र में बोरतरा पहाड़ी पर गुरु मेड़कीनाथ का मेला भरा। हर साल भरने वाले इस प्रसिद्ध मेले में गुरु मेड़कीनाथ के दर्शनार्थी सवेरे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने शुरू हो गए थे। दोपहर तक तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सीढ़ियों पर चलने के लिए भी जगह नहीं बची। झालावाड़ के डग में एक व्यक्ति का कुएं में शव मिला। मृतक डग निवासी नानूराम को मारकर निवासियों को पुलिस की मदद से बाहर निकाला। डग पुलिस थाने के पीछे खेत के कुएं की घटना। कोटा के सुल्तानपुर में सरपंच मांगीलाल की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रधानाचार्य सह प्रभारी ने कहा कि सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मॉर्निंग फॉलोअप के तहत लोगों से खुले में शौच नहीं जाने, शौचालय बनाने के लिए अपील कर लोगों से समझाइश करना है। बूंदी के केशराय पाटन में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी ने 5 शिक्षकों को सम्मानित किया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में कस्बे के मांडली मार्ग पर पुलिस चौकी के पास गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया। विधायक सुशील कटारा व सरपंच रूपचंद भगोना ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। बारा के चीपा बड़ौद में 2 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा नहीं हुआ। राठौर तेलियान समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सांवलिया जी कस्बे के हाथीदड़ा के पास खेत में शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक की जीवों की तलाशी में पन्नालाल बड़ी बम्बोरी के नाम की नकदी और चांदी की कड़ियां खरीदने का विवरण मिला। बाड़मेर के चौटन में गणेश चतुर्थी पर गणपति पूजन किया गया और मूर्ति स्थापना हुई। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर के रेनवाल कस्बे में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गढ़बाजार स्थित गणेश जी के मंदिर परिसर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित देर रात तक चले कवि सम्मेलन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि मौजूद रहे। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।